अ वेरी गुड मॉर्निंग एस्पिरेंट्स। आज हम पढ़ेंगे 26 जुलाई 2023 के करंट अफेयर्स। तो जल्दी से निकालें अपना पेपर पेन एंड करें वीडियो के साथ में ही अपनी नोट्स मेकिंग स्टार्ट। आज की फर्स्ट न्यूज़ है फिफ्थ हेलीकॉप्टर एंड स्मॉल एयरक्राफ्ट समिट। सो एक मीटिंग हुई है, फिफ्थ एडिशन है हेलीकॉप्टर्स एंड स्मॉल एयरक्राफ्ट से रिलेटेड। कहाँ पर हुई है? खजुराहो मध्य प्रदेश में हुई है। इस मीटिंग का थीम क्या रहा? रीचिंग द लास्ट माइल, रीजनल कनेक्टिविटी थ्रू हेलीकॉप्टर्स एंड स्मॉल एयरक्राफ्ट्स। ठीक है जी। नाउ ये मीटिंग क्यों की गई, क्या एम था इस मीटिंग को करने का? टू एनहांस द स्कोप ऑफ उड़ान स्कीम इन रिमोट एंड हाई टेरेन्स, जो पहाड़ी इलाके होते हैं या फिर जो दूर दराज के क्षेत्र हैं, रिमोट एरियाज हैं, वहां पे उड़ान स्कीम को इम्प्लीमेंट करना है। अब उड़ान स्कीम में उड़ान की फुल फॉर्म क्या है? उड़े देश का आम नागरिक। ठीक है जी। तो ये एक रीजनल एयरपोर्ट डेवलपमेंट स्कीम है, मतलब एक होता है ना कि रीजनल लेवल पे, ठीक है, एयरपोर्ट्स को डेवलप करना है। मेन गोल इस स्कीम का ये है टू मेक एयर ट्रैवल अफोर्डेबल एंड इम्प्रूव इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन इंडिया। ये जो हम एयरप्लेन्स के थ्रू ट्रैवलिंग करते हैं, तो इसको अफोर्डेबल बनाना, थोड़ा चीप करना, ताकि हर एक इंसान इस फैसिलिटी का फायदा उठा सके और इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना। ठीक है जी। तो याद रखने वाली बात है कि फिफ्थ एडिशन हुआ है, समिट कहाँ पे हुई है, थीम क्या रहा, ये समिट की क्यों गई, ताकि उड़ान स्कीम को इम्प्लीमेंट किया करवाया जा सके जो हाई टेरेन्स या फिर कह लीजिए जो माउंटेनियस एरियाज होते हैं, जो रिमोट एरियाज होते हैं वहां पे। फिर थोड़ा सा यहाँ पे मैंने उड़ान स्कीम के बारे में लिखा हुआ है। ठीक है जी। चलिए सेकेंड न्यूज देखते हैं। तो कुछ डेज हमारे रह गए थे, 2-3 डेज, वो हम अभी डिस्कस करेंगे। सो नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे कब मनाया जाता है? 23 जुलाई को। अब 23 जुलाई को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन 1927 में अ प्राइवेट इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी फर्स्ट रेडियो ब्रॉडकास्ट फ्रॉम द बॉम्बे स्टेशन, मतलब पहला रेडियो ब्रॉडकास्ट इस दिन हुआ था 1927 में बॉम्बे स्टेशन से, जो कि एक प्राइवेट इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी के द्वारा किया गया था। ठीक है ना। तो याद रखने वाली बात क्या है, नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे कब मनाया जाता है? 23 जुलाई को मनाया जाता है, राइट। थर्ड पॉइंट अगर हम देखें तो यहाँ भी हम एक डे का ही जिक्र करेंगे। इसकी तो मैंने पोस्ट भी कम्युनिटी पे की थी, दैट इनकम टैक्स डे कब मनाया जाता है? 24 जुलाई को ये डे सेलिब्रेट किया जाता है। इस साल यानी कि 2023 में 164th इनकम टैक्स डे सेलिब्रेट किया गया। कहाँ पे? सेलिब्रेटेड एट विज्ञान भवन न्यू दिल्ली, यहाँ पे सेलिब्रेट किया गया। सेलिब्रेशन ज्वाइंट बाय, अब इनकम टैक्स है, फाइनेंस से रिलेटेड चीज है, तो फाइनेंस मिनिस्टर का होना तो लाजमी है ना। तो ये सेलिब्रेशन ज्वाइन किया गया था फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन के द्वारा। ठीक है। ये डे क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? सेलिब्रेटेड टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट टैक्सेस एंड एनकरेज मोर एंड मोर पीपल टू पे टैक्सेस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ नेशन, मतलब लोगों को समझाना, लोगों को जागरूक करना कि टैक्सेस की क्या इंपॉर्टेंस है सरकार के लिए। ठीक है। तो जो लोग टैक्स नहीं देते हैं या किसी भी तरह से अपना टैक्स बचाते हैं, उनको समझाना कि हमें टैक्स पे करने की जरूरत है ताकि देश का विकास हो सके। देखिए टैक्सेस क्या होते हैं, एक बहुत बड़ा इनकम सोर्स होते हैं सरकार के लिए। ठीक है। जैसे हमने पढ़ा ना, अभी हमने फिस्कल पॉलिसी पढ़ा था, पब्लिक फाइनेंस पढ़ा था इकोनॉमिक्स में, जस्ट अभी हम पढ़ भी रहे हैं कि इसमें क्या होता है, जो सरकार का खर्चा होता है ना, उसके बारे में हम स्टडी करते हैं पब्लिक फाइनेंस में। फाइनेंसेस ऑफ द गवर्नमेंट की स्टडी करते हैं, गवर्नमेंट की स्पेंडिंग, गवर्नमेंट की इनकम, ये सब कुछ देखते हैं। तो गवर्नमेंट खर्च कहाँ पे करती है? जी सरकारी स्कूल बना रही है, सड़कें बना रही है, कोई स्कीम लेकर आ रही है, वेलफेयर स्कीम वल्नरेबल सेक्शंस के लिए यहाँ पे। और सरकार की इनकम आती कहाँ से? तो मेन इनकम सरकार के टैक्सेस से ही आती है, क्योंकि देखिए जो लोग जॉब करते हैं इनकम टैक्स देते हैं, जिनके अपने अपने बिजनेसेस हैं वो कॉरपोरेट टैक्स देते हैं, जो कुछ जैसे स्टूडेंट्स हैं, खाने पीने का ज्यादा शौक रखते हैं, पिज्जा खाने चले गए, डोमिनोज चले गए, कहीं भी चले गए, कुछ भी परचेज करते हैं, तो जीएसटी देते हैं। जीएसटी क्या है? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, कंज्यूमर जो है वो पे करता है, मैन्युफैक्चरर पे नहीं करता है। ठीक है। तो इस तरह से टैक्सेस के थ्रू ही सरकार को पैसा इकट्ठा होता है, राइट। तो उसी में जो इनकम टैक्स डे है, जो सैलरी वाले लोग देते हैं, वो 24 जुलाई को मनाया जाता है। अब देखिए लास्ट डे जो आज हमें पढ़ना है वो है कारगिल विजय दिवस। कब मनाया जाता है? 26 जुलाई को। तो इसको तो आपको बढ़िया से आइडिया होगा क्या है। इन ऑनर ऑफ कारगिल वॉर हीरोज, कारगिल वॉर हुई थी
कारगिल डिस्ट्रिक्ट में, लद्दाख में 1999 में। तो उस टाइम पे भारत से जिन्होंने भी अपनी जान दी थी, जो भी शहीद हुए थे, उनकी याद में ये दिन मनाया जाता है हर साल। जो है उनको कहते हैं कि मतलब याद किया जाता है इस डे पे 26 जुलाई को। साथ में ये सेलिब्रेट किया जाता है टू ऑब्जर्व इंडियाज विक्ट्री ओवर पाकिस्तान इन कारगिल वॉर। ये जो कारगिल युद्ध हुआ था इसमें इंडिया की जीत हुई थी, पाकिस्तान हारा था, तो उसके उपलक्ष्य में भी ये डे सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है जी, तो फर्स्ट पेज पे हमने एक सबमिट पढ़ी और तीन डेज पढ़े। ये कुछ छूट रहे थे तो मैंने सोचा कि एक साथ में लिख देते हैं, है ना। अब आपका काम है कि आप मुझे बताएंगे कि हमने इनकम टैक्स डे पढ़ा, नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे पढ़ा, अब आप मुझे बताएंगे कि AIR ऑल इंडिया रेडियो की फॉर्मेशन कब हुई थी, क्योंकि वो भी एक ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन ही है, राइट। तो अब आपको वो पता होना चाहिए। ठीक है जी, चलिए इसी के साथ हमारा फर्स्ट पेज हुआ कंप्लीट। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा और अब सीधे चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज की ओर। आज का फिफ्थ पॉइंट है कोरिया ओपन 2023 टाइटल वन बाय। ये जो टाइटल है, सबसे पहले तो कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, बैडमिंटन से रिलेटेड है। तो ये कोरिया ओपन 2023 का टाइटल मेंस डबल टाइटल है, ठीक है। तो किसने जीता है, सात्विक चिराग ने जीता है मेंस डबल में, सात्विक और चिराग ने, तो आपने याद रखना है, ठीक है। सिक्स्थ पॉइंट आता है सेमीकंडक्टर पॉलिसी रिलीज्ड बाय। ये जो सेमीकंडक्टर पॉलिसी है रिसेंटली रिलीज की गई है किसके द्वारा, गुजरात गवर्नमेंट के द्वारा। रिलेटेड है किस चीज से, तो नाम से पता लग रहा है, सेमीकंडक्टर्स हम पढ़ते भी आए हैं, है ना। तो इट इज रिलेटेड टू डोमेस्टिक सेमीकंडक्टर चिप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, मतलब अपने ही देश में। अब गुजरात गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है, मतलब वो स्टेट का देखेगा, है ना। तो अपने ही स्टेट में जो ये सेमीकंडक्टर्स के चिप हैं, इनको मैन्युफैक्चरिंग करने से रिलेटेड है ये पॉलिसी। एंड इसी के साथ गुजरात गवर्नमेंट बना है फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू हैव सच पॉलिसी, सेमीकंडक्टर से रिलेटेड प्रॉपर पॉलिसी लाने वाली पहली स्टेट बनी है इंडिया में। सेवेंथ पॉइंट अगर देखें, सेमिकॉन इंडिया 2023, ये क्या है, एक स्पेशल एग्जीबिशन है, एग्जीबिशन समझते हैं, प्रदर्शनी है, गांधीनगर में हुई, ठीक है। गांधीनगर कहाँ पे है, गुजरात में है। इनॉग्रेटेड बाय, इसका उद्घाटन किसने किया है, तो गुजरात के जो सीएम है, गांधीनगर कहाँ पे है, गुजरात में है, गुजरात के जो सीएम है भूपेंद्र पटेल जी, उन्होंने इसका इनॉग्रेशन किया है। इसमें पार्टिसिपेट किया गया है लीडिंग कंपनीज इन सेमीकंडक्टर सेक्टर, सेमीकंडक्टर सेक्टर में जो लीडिंग कंपनीज हैं उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया है, ठीक है। अब देखिए इसमें कुछ स्टूडेंट्स ने, कॉलेज के स्टूडेंट्स ने भी पार्टिसिपेट किया है, तो मेन मकसद यही था कि जो और आने वाली फ्यूचर जनरेशन है उन्हें सेमीकंडक्टर्स के बारे में बताया जा सके, कैसे ये यूज होते हैं, क्या इनका यूज होता है, कहाँ कहाँ पे इनकी फंक्शनिंग है, मतलब वही है, इस चीज सेमीकंडक्टर्स के बारे में बताया जा सके, इसकी मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड चीजें बताई जा सके, इसका स्कोप बताया जा सके, ठीक है। वही है, सेमीकंडक्टर्स की मैन्युफैक्चरिंग एंड स्कोप के बारे में बताया जा सके, ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स जो हैं इसके इस फील्ड में जाने का सोचे, ठीक है ना। चलिए एट्थ पॉइंट अगर हम देखें, तो रिसेंटली इलेक्शंस हुए थे स्पेन में, ठीक है। सो स्पेन से इलेक्शन वॉन बाय, कौन जीता है, द कंजर्वेटिव पीपल्स पार्टी, पॉपुलर पार्टी, ये जीती है। अब स्पेन जो है एक कॉन्टिनेंट है जो कि यूरोप में सिचुएटेड है, कैपिटल है स्पेन की मैड्रिड। अब देखिए हमेशा कहती हूँ वर्ल्ड मैप, इंडिया का मैप अपने सामने लगाओ, एटलस से काम नहीं चलेगा। मुझे बहुत सारे मैसेज ऐसे आते हैं कि मैम नहीं, हमारे पास एटलस है तो उससे काम नहीं चलेगा। नहीं चलेगा, क्योंकि एटलीस्ट एक किताब की तरह है, जब आप पढ़ने बैठेंगे उसे 15 मिनट 20 मिनट तो आप खोल के आराम से पढ़ने बैठेंगे, लेकिन मैप को हम कभी पढ़ते नहीं है। जैसे भी हम कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, साथ में कोई चीज आ गई तो हम मैप की वो डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। मैप पे एक बार नजर मार लेते हैं तो वो चीज दिमाग में रहती है, ठीक है जी। अब देखिए डेली करंट अफेयर्स पढ़ते हैं, मैं आपको इकोनॉमिक्स पढ़ाती हूँ, इकोनॉमिक्स में तो चलिए मैप का कम जिक्र होता है, लेकिन हिस्ट्री है आपकी, ज्योग्राफी है, इनमें काफी ज्यादा जिक्र होता है, इन दोनों में, है ना। तो आपने ध्यान रखना है। नाउ नाइन्थ पॉइंट हमारा आता है मैनुअल फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान रिलीज्ड बाय। डिजास्टर मैनेजमेंट क्या होता है, आपदा कोई आ गई तो उससे कैसे मैनेज करना है, कहीं पे बहुत ज्यादा लैंडस्लाइड हो गया या फिर अर्थक्वेक आ गया या फिर सुनामी आ गई तो एकदम से कैसे रिएक्ट करना है, तो उससे रिलेटेड जो है एक प्लान बनाया गया है, एक मैनुअल बनाया गया है, जो कि यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा, यानी कि गजेंद्र सिंह शेखावत के द्वारा रिलीज किया गया है। अब ये जो डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान है कहाँ पे बनाया गया था, सो नेशनल कॉन्फ्रेंस हुई है ऑफ रूरल वॉश पार्टनर्स फोरम। वॉश क्या है ये भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। यहाँ पे एक फोरम हुई है न्यू दिल्ली में विज्ञान भवन में, वहां पे इस प्लान के बारे में सोचा गया था, ये प्लान बनाया गया था, ठीक है जी। अब हम पहुंच गए हैं अपने लास्ट पॉइंट की ओर। सो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और वीडियो के साथ में नोट जरूर बनाए, बहुत ज्यादा बेनिफिशियल आपके लिए रहेंगे। टेंथ पॉइंट आता है ब्रायन टेबर, पास्ट वे रिसेंटली कौन थे, फॉर्मर ऑस्ट्रेलियन विकेट कीपर,
ठीक है जी। तो चलिए अब इसी के साथ हमारे आज के करंट अफेयर्स हुए कंप्लीट। आई होप मैंने जो पढ़ाया आपको समझ में आया है, वीडियो अच्छी लगी है, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तब तो बहुत ही ज्यादा अच्छे से पता है कि क्या कर रहा है। जल्दी से कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को कीजिए प्रेस, सो देट मैं जैसे कोई वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। प्लस जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जो भी गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके साथ भी मेरे चैनल का लिंक जरूर शेयर करें, सो दैट इन हैंड रिटन नोट्स का उन्हें भी कुछ फायदा हो सके। तो चलिए फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो दैट्स इट एंड सी यू सून।